नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपचुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारे लिए पार्टी प्रथम तो प्रत्याशियों की सूची द्वितीय है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम सामने होंगे। देश की जीडीपी पर कहा कि कोरोना महामारी में जीडीपी कम हुई, भारत भी उसका हिस्सा है। पूरी दुनिया में जीडीपी कम हो रही है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं, वह ना तो जीडीपी समझ रहे हैं और ना ही अर्थव्यवस्था। वहीं उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के दौरे कर रहे हैं। प्रत्येक दिन मुख्यमंत्री गांव-गांव जाकर, वह कल भी जीवन को दांव पर लगाकर नाव से गांव पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सबको आश्वासन दिला रहे हैं कि आपदा के समय में सरकार साथ खड़ी है, सबको सहायता दी जाएगी। कांग्रेस पर कसा तंज, कांग्रेस पार्टी परिवार पर आधारित है। देश में राहुल और सोनिया गांधी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का परिवार है। उन्होंने कहा कि ना तो गांधी जी खतरे में है और ना ही संविधान खतरे में है। मैं तो कहता हूं पूरी कांग्रेस खतरे में है। देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। कल लगभग 20-25 किलोमीटर वो वोट से रमता जी में गए। वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर लोगों के बीच में पहुंचे, गांव में पहुंचे। एक दिन पहले भी हेलीकॉप्टर बादलों में भटक गया था। वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर प्रदेश के सब हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों को सद्भावना देने का काम कर रहे हैं और विश्वास लोगों को दिला रहे हैं कि सरकार हर संकट में पूरी तरह से साथ में खड़ी है। और सरकार ने सर्वे के आदेश कर दिए हैं, सभी जगह सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है और सर्वे के आधार पर जितनी अधिकतम सहायता हो सकती है वो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तत्कालिक रूप से सहायता के कार्य कैंप चल रहे हैं। सर, कांग्रेस में जनता पार्टी है, उस प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशी का चयन होता है और पार्टी जल्दी प्रत्याशियों का चयन करेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी हमारे लिए सेकेंडरी होता, पार्टी पहले होती है। इसलिए पार्टी की तैयारियां चल रही है, प्रत्याशी भी समय पर घोषित हो जाते हैं। उसमें जाति समीकरण तो नहीं रहेगा सर, इस तरह से कांग्रेस में हो रहा है सर, जैसे बीजेपी में देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर चयन होता है, कोई जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन नहीं होता है। जो प्रत्याशी पार्टी के प्रति निष्ठावान है, विचारवान है और जिसकी जीतने की परिस्थितियाँ होती हैं, उस आधार पर पार्टी निर्णय करती है। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।